हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बात जो कि आपके दिसंबर 2018 नेट के एग्ज़ाम के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी बात है जो कि इम्पैक्ट डालेगी आपके नेट एग्ज़ाम के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ गई है जो कि दिसंबर में नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पेपर सेट करेगी वो हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग पेपर होगा। ये किस तरह से होगा मैं आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। हाल ही में केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब CBSE से सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिए हैं, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस साल NEET, JEE, NET आदि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेगी। पहले NEET और JEE का जो एग्ज़ाम होता था वो साल में सिर्फ एक बार ही होता था, लेकिन अब ये साल में कितनी बार होगा? दो बार होगा। और जहाँ बात करें नेट एग्ज़ाम की, नेट एग्ज़ाम तो पहले से ही दो बार होता है, तो इस साल भी दो बार ही होगा। सरकार के आदेश के अनुसार NEET की परीक्षा हर साल फरवरी और मई में अब करवाई जाएगी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे के सारे एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू करवाए जाएंगे, यानी कि अब आपके एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जो नेट का एग्ज़ाम था वो पहले ऑनलाइन नहीं होता था, पहले बहुत सारे सर्कल्स आपको फिल करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको माउस यूज़ करना है, करेक्ट आंसर के ऊपर टिक करना है और आपका आंसर जो है वो सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत ही बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके दिसंबर के अटैम्प्ट के ऊपर बहुत असर डालेंगे, और आपको इस साल एक नई तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इस बार सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग पेपर दिए जाने की बहुत ही उम्मीद है। वो किस तरह से होगा? वो इस तरह से होगा कि एक सॉफ्टवेयर जो है उसे डेवलप किया जाएगा। यही सॉफ्टवेयर जो है रैंडमली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेगा, तो जब रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे चांसेस रहेंगे कि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चन होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन हो और ऊपर नीचे कर आपको क्वेश्चंस दिए जाएं, जैसे कि पेपर वन में ऑलरेडी हमारे पास कुछ सेट होते हैं, सेट में क्वेश्चंस तो सेम होते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस जो है वो अलग होता है। तो अब देखना ये है कि किस तरह से दिसंबर में पेपर सेट किया जाएगा। सबसे पहले यह बदलाव जो है वो दिसंबर के एग्ज़ाम में ही लेकर आया जाएगा, और दिसंबर में सबसे पहले आपका नेट का ही एग्ज़ाम आएगा जो कि पहले CBSE कंडक्ट करता था, लेकिन अब CBSE से इसको ले लिया गया है। और इस साल NTA तकरीबन 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम लेने जा रहा है, और ये एग्ज़ाम पूरी तरह से 100% सुरक्षित रहे, आपके क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएंगे। और जो NTA के डायरेक्टर जनरल है विनीत जोशी, उनके अकॉर्डिंगली परीक्षाएं 100% सुविधा होगी, साथ ही हाई लेवल का इंक्रिप्शन इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी सिस्टम को हैक ना कर सके, क्योंकि इस बार देखा गया है कि नेट के पेपर जो हैं वो लीक हो गए थे और बाद में कैंसिल करने पड़े। ऐसा फ्यूचर में ना हो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएंगे। अगर सरकार स्टेप्स उठा रही है तो आपको भी अपनी प्रेपरेशन को चेंज करना है, तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए एक नई तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए।
मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मैं अपने चैनल पर नेट में एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ, एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।